अक्षय तृतीया यानी आका तीज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है और इस दिन सावों की भी भरमार रहती है। राजस्थान में ये त्यौहार बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, खुशी का त्यौहार है। इस पर्व को जो लोग है आपसी मेल जोल प्रेम भाव से मनाते हैं और इस दिन शादी का मुहूर्त को जो है बहुत ज़्यादा शुभ मान के मुहूर्त निकलवा के ज़्यादातर जो शादियाँ हैं वो इसी दिन करवाई जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कटक और मैं आप सभी के साथ ममता। लेकिन इसके पीछे मैं आपको एक यह कहानी भी बताऊँगी। राजस्थान के 18 ऐसे गाँव हैं जो इस दिन अक्षय तृतीया के दिन शोक मनाते हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर क्यों शोक मनाते हैं वो 18 गांव के लोग। मैं आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर का चौथ का बरवाड़ा तो आपको पता ही होगा, वहां पर चौथ माता का मंदिर है। चौथ का बरवाड़ा समेत सवाई माधोपुर के 18 गांव ऐसे हैं जो इस दिन इस त्यौहार को नहीं मनाते हैं। चौथ माता का मंदिर है, वहाँ के मंदिर की घंटियाँ तक बांध दी जाती हैं। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि इस दिन जो माता की आरती है वो भी लोग मन के अंदर गुनगुना करके करते हैं। लाउड स्पीकरों की जो आवाज़ है वो बंद कर दी जाती है, नहीं बजाए जाते हैं कोई गाने भी। और इस दिन गाँव के जो लोग हैं वो सब्जी नहीं बनाते हैं, अपने घरों में खाना नहीं बनाते हैं, जबकि अक्षय तृतीया के दिन लोग जो है पकवान बनाते हैं, धूमधाम से तरह तरह के व्यंजन जो है वो बनाते हैं। लेकिन 18 गांव के लोग खाना नहीं बनाते हैं, एक दिन पहले ही सब्जी बना के रख देते हैं। इस कहानी के पीछे अलग अलग गांव में लोक कथाएं हैं, तो एक लोक कथा मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक टाइम था यानी कि आज से 700 साल पहले नवविवाहित जोड़े जो है मंदिर में आशीर्वाद के लिए आए थे। वहाँ पर जोड़े आए तो उनकी जो वधु है वो चेंज हो गई थी। इस बात को लेकर कि उनमें बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में जो है मौत भी हो जाती है कि 84 जोड़ों की जो है वहाँ पर मौत हो जाती है। तो इस दिन को शौक के रूप में मनाया जाता है, लोग जो है घरों में रहते हैं, सब्जी नहीं बनाते हैं और एक शौक के रूप में इस दिन को मनाते हैं। ये थी आका तीज अक्षय तृतीया के पीछे सवाई माधोपुर के 18 जिलों की कहानी। धन्यवाद।